हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 12th मैथमेटिक्स इंट्रोडक्शन एंड एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 8.1 पार्ट 2 वी आर डिस्कसिंग। पार्ट 1 में हमने एरिया निकाला था सर्किल और एलिप्स का। अब यहाँ सेकंड पार्ट में हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड ए लाइन। अब हम एरिया देखेंगे कि एक कर्व और एक लाइन से अगर एरिया बाउंडेड है तो हम उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी, चार एक एग्जाम्पल्स देखते हैं हम इसका। इस केस में हमको क्या करना होगा, जैसे एग्जाम्पल नंबर थर्ड कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो इक्वल्स स्टूडेंट्स, वी नो दैट द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, पैराबोला होता है। दिस इज पैराबोला और ये पैराबोला कैसा है, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। ये पैराबोला है सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस के अबाउट, ये पैराबोला कैसा है, सिमेट्रिकल है। देन लाइन वाई इक्वल्स टू फोर, वाई इक्वल्स टू फोर इज ए स्ट्रेट लाइन। अब मुझे इससे बाउंडेड एरिया निकालना है। ओके, अब ये एरिया देखो दोनों साइड सेम है तो एरिया मुझे पूरे एरिया का निकालना है ना, ये जितना भी डॉटेड एरिया है मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है। लेकिन मैं क्या करूँगी, एक क्वाड्रेंट में निकाल लूँगी और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँगी, टू से, जिससे मेरा क्या होगा स्टूडेंट्स, मेरे को ज़्यादा लंबा प्रोसीजर नहीं करना पड़ेगा और शॉर्ट में मेरा जो है होता है वो एरिया क्या होता है, निकल जाता है। ओनली फॉर दिस पर्पस, अगर कोई ऐसा सिमेट्रिकल फिगर हमारे पास आता है तो हम क्या करते हैं, हम एक रीजन में फाइंड आउट करते हैं और दूसरे में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, सो रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरा, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द रीजन, कौन से रीजन का एरिया चाहिए मुझे, ए ओ बी ए, ए ओ बी ए, ये किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, दिस इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ जीरो। अब यहाँ पे मैंने कैसे स्ट्रिप्स लिए स्टूडेंट्स, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लिए, तो जब इस स्ट्रिप को मैं नीचे ऊपर घुमाऊंगी तो देखो नीचे तो ये किस पे टच करेगी, जीरो पे, और ऊपर किस पे टच करेगी, लाइन वाई इक्वल्स टू फोर पे। तो इसको मैं लिख दूंगी जीरो टू फोर एक्स डी वाई, क्योंकि हॉरिजॉन्टल है तो हमारा एक्स डी वाई आएगा, अगर वर्टिकल होता है तो क्या आता है, वाई डी एक्स आता है। तो ये क्या है, अब ये जो एरिया है एक्स डी वाई, ये एक्स डी वाई एरिया स्टूडेंट्स ये किससे बाउंडेड है, दिस एरिया इज बाउंडेड बाय बाउंडेड बाय कर्व वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, वाई एक्सिस, एक तो वाई एक्सिस वाली लाइन है, एंड लाइन्स, और लाइन्स कौन कौन सी है, वाई इक्वल्स टू जीरो एंड वाई इक्वल्स टू फोर। तो इस वजह से हमने यहाँ पे क्या किया स्टूडेंट्स, ये वाली लिमिट लगा दी है। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ जीरो टू फोर। नाउ एक्स, एक्स की वैल्यू यहाँ से मैं निकालती हूँ तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, रूट वाई डी वाई। नाउ रूट वाई मीन्स दिस इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ जीरो टू फोर y की पावर हाफ डी वाई, वाई की पावर हाफ का इंटीग्रेशन अगर मैं करती हूँ तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, y की पावर 3/2 अपॉन 3/2, द लिमिट्स इज फ्रॉम 0 टू 4, तो दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 अपॉन 3 y रेज टू द पावर 3/2, यानी दिस इज, अब जैसे ही मैं इसकी लिमिट्स रखती हूँ, 4 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 0, तो दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, 4 को मैं लिख सकती हूँ 2 का स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 3, स्क्वायर से स्क्वायर कर लिया 2 की क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8, तो दिस इज इक्वल्स टू 32/3। तो ये जो मेरा रीजन का एरिया है, इस पूरे रीजन का एरिया कितना आ गया स्टूडेंट्स, 32/3। यहाँ मैंने रूट वाई क्यों लिखा है, बिकॉज वाई इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इट इम्प्लाइज दैट रूट वाई इज इक्वल्स टू एक्स, रूट वाई बोलो, और यू कैन से दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट वाई। बट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा जो एक्स होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे हमने सिर्फ क्या लिया है, प्लस रूट वाई डी वाई।
तो इस तरह से हमने इस रीजन का क्या फाइंड आउट किया स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड आउट किया। प्रोसीडिंग इन द सेम मैनर लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब यहाँ पे सिर्फ मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही रीजन निकालना है जो कि किससे एनक्लोज्ड है, एक्स एक्सिस। तो दिस इज माई एक्स एक्सिस, लाइन y इक्वल्स टू x, तो ये मैंने लाइन बना ली y इक्वल्स टू x, सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32। अब x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32, इसका मतलब यहाँ से जो मेरा r स्क्वायर है वो कितना है स्टूडेंट्स 32, सो इट इम्प्लाइज दैट माई रेडियस, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 32 विच इज इक्वल्स टू 4√2। तो ये जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी है स्टूडेंट्स 4√2 है, तो ये जो ए पॉइंट है ये मेरा कितना हो गया 4√2,0। और लाइन मुझे एक क्या दे रखी है स्टूडेंट्स, वाई इज इक्वल्स टू एक्स। तो जैसे ही मैं इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करती हूँ 1 और 2, 1 और 2 से मुझे क्या मिलेगा, बाय 1 और 2 वाई की जगह मैं एक्स रख देती हूँ तो ये मेरे को क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 विच इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32 विच इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 32/2। 32/2 इज 16 विच इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। तो जैसे ही x प्लस माइनस 4 आएगा हमको यहाँ से y भी कितना मिल जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस माइनस 4। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, द लाइन एंड द सर्किल मीट एट द लाइन एंड द सर्किल मीट एट 4,4। तो लाइन और सर्किल जो है वो कौन से पॉइंट पे मिलेंगे स्टूडेंट्स, 4,4 पे, जो कि यहाँ पे हमने ये पॉइंट मार्क कर दिया है। तो जो अब मेरा रिक्वायर्ड एरिया है इस बी पॉइंट से मैंने क्या डाला है स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर डाला है। सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ, मैंने इसको दो में डिवाइड कर लिया, ओ बी एम ओ, दिस इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ बी एम ओ प्लस एरिया ऑफ बी एम ए बी प्लस एरिया ऑफ बी एम ए बी। सो नाउ द एरिया ऑफ रीजन ओ बी एम ओ, अब सबसे पहले मैं किसका एरिया निकालती हूँ स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ ओ बी एम ओ। नाउ सबसे पहले मैं निकाल रही हूँ एरिया ऑफ ओ बी एम ओ, इसको मैं बोल देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, एरिया ऑफ ओ बी एम ओ। तो ओ बी एम ओ दिए क्या है, एक तरह का मुझे ट्राइंगल मिल रहा है, तो इसका एरिया हो जाएगा 0 to 4 वाई डी एक्स। सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 4। अब इस ओ बी एम ओ ट्राइंगल में y किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, x के, क्योंकि ये कर्व की बाउंड्री को तो टच ही नहीं कर रहा है। तो 0 to 4 x dx, तो दिस इज इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 एंड 0 to 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई स्टूडेंट्स 8। नाउ नेक्स्ट मैं किसका एरिया निकालती हूँ, एरिया ऑफ बी एम ए बी। सो एरिया ऑफ रीजन बी एम ए बी इज इक्वल्स टू, अब देखो ये जो है इसकी वर्टिकल स्ट्रिप अगर यहाँ देखती हूँ तो लाइन 4 को टच कर रही है और यहाँ पे किसको टच करेगी, ये 4√2 को, तो इसकी वैल्यूज आएगी 4 to 4√2 y dx, दिस इज इक्वल्स टू 4 to 4√2। अब ये कर्व की बाउंड्री को टच कर रहा है, कर्व मेरा कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 32 - x² dx, यानी ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म। तो दिस इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 32 - x² प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर मेरा कितना है स्टूडेंट्स 32/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4√2, बिकॉज ए कितना है मेरा यहाँ पे 4√2, वैल्यूज रख दो 4 to 4√2। जैसे मैं ये वैल्यूज रखती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे मेरे को ये क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू रखते हैं पहले 4√2/2 इंटू 0 प्लस 32/2 साइन इनवर्स 1, देन माइनस
नेक्स्ट वैल्यू रखते हैं, दैट इज 4/2 अंडर रूट ऑफ 32-16 प्लस 1/2 इंटू 32 साइन इनवर्स 1/√2। ओके, सो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ये वैल्यू मेरे पास कितनी आएगी, 8π-8 प्लस 4π विच इज इक्वल्स टू 4π-8। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। सो बाय 1, 2 एंड 3 हमको क्या मिलेगा, एरिया जो है हमारा वो किसके इक्वल मिलेगा स्टूडेंट, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4π-8, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल्स टू 4π। तो इस तरह से एक लाइन और एक सर्कल से बाउंडेड जब हमको एरिया निकालना होगा, सो वी विल फाइंड आउट द एरिया इन दिस वे। हमने इसको यहाँ दो पार्ट्स में डिवाइड किया इस रीजन को, और फिर हमने इसका क्या निकाला स्टूडेंट्स, एरिया फाइंड आउट किया। इसी तरह से लेट्स सी एग्जांपल नंबर 5। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स x²/a² + y²/b² = 1। तो ये मेरा एलिप्स हो गया एंड द ऑर्डिनेट्स x = 0। सो व्हाट इज दिस, इज x = 0 एंड x = a। तो ये जो लाइन होती है क्या होती है, ए ए क्या होती है स्टूडेंट, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम। तो ये जो फोकस का पॉइंट होता है, दिस इज x = a। यहाँ पे बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a² 1-e² एंड e इज लेस देन 1। सो अब यहाँ पे जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है स्टूडेंट्स वो क्या है, दिस कंप्लीट इज आवर रिक्वायर्ड एरिया। सो रिक्वायर्ड एरिया बी ओ बी डैश आर एफ एस बी, ये जो है ये क्या है, इज एनक्लोज्ड बाय, ये किस किस से एनक्लोज्ड है, एनक्लोज्ड बाय एलिप्स, यानी जो हमारा गिवन कर्व है एलिप्स, लाइंस x = 0 एंड x = a। ये मेरा रीजन सिर्फ इसी से बाउंडेड है, ये लाइन और दोनों साइड क्या है मेरे पास कर्व है। तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा, सो एरिया इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ, मैं इस फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इसको क्या कर देती हूँ, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन, हम किस रीजन का एरिया निकाल रहे हैं, बी ओ एफ एस बी, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ रीजन बी ओ एफ एस बी विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 0 to a e y dx विच इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ b/a इंटीग्रेशन 0 to a e अंडर रूट ऑफ a² - x² dx, बिकॉज हमारी एलिप्स की बात चल रही है। तो दिस इज इक्वल्स टू 2b/a x/2 अंडर रूट ऑफ a² - x² + a² / 2 साइन इनवर्स x/a। ये हमारा रीजन हो गया स्टूडेंट्स, इसका इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट्स हम लगा देंगे 0 to a। तो दिस इज इक्वल्स टू 2b/a a/2 अंडर रूट ऑफ a² - a² e² + a² / 2 साइन इनवर्स a e/a, साइन इनवर्स a e/a। जैसे ही मैं x वाली लिमिट रखूंगी, वो लिमिट तो मेरी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, -0। तो दिस इज इक्वल्स टू 2b/, इन दोनों में 2 है तो 2a/ कॉमन ले लेते हैं, दिस इज a e/√a² - a² e² + a² sin inverse e। सो दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट्स,
यहाँ टू से टू कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू बी अपॉन ए, या अंडर रूट बाहर आएगा तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, दिस इज इक्वल्स टू ए एंड ए, दिस इज अगेन ए स्क्वायर ई अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई. सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी अपॉन ए ई अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई. सो दिस इज इक्वल्स टू ए से ए कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ए बी ई अंडर रूट ऑफ वन माइनस ई स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स ई. सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया. सो इन दिस वे स्टूडेंट्स, अगर एरिया ऑफ रीजन हमको एक कर्व और लाइन से बाउंडेड दे रखा है तो इस तरह से हम उनका एरियाज फाइंड आउट करेंगे. प्रॉपर्टीज हम किसकी यूज़ करेंगे, इंटीग्रेशन की ही प्रॉपर्टीज हमको यूज़ करनी होगी. सो स्टूडेंट जस्ट स्टार्ट ट्राइंग योर एक्सरसाइज 8.1. थैंक यू स्टूडेंट्स.